नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु। दोस्तों, गिद्ध और बाज, गिद्ध को बोलते हैं वल्चर और बाज को बोलते हैं हॉक। जनरली क्या होता है, स्वप्न शास्त्र की मैं बात कर रहा हूँ तो दोनों के मीनिंग्स भी अलग होते हैं और दोनों के विवरण भी अलग होते हैं। गिद्ध आपने देख लिया तो उसका फल अलग होगा और बाज आपने देख लिया तो उसका फल अलग होता है। अब आज हम बात कर रहे हैं आपको बाज के बारे में, हॉक के बारे में कर रहे हैं। बाज में ये और गिद्ध में फ़र्क बहुत होता है। बाज जो है अपना शिकार खुद करता है और उसके बाद वो खाता है। पक्षी बड़ा होता है, काफ़ी ऊंचाई पर उड़ता है। गिद्ध जो है वो मरे हुए जानवरों को ही खाता है, माने मरे हुए डेड बॉडीज़ को ही वो खाता है, इसलिए थोड़े सपनों में फ़र्क हो जाता है। आपने सपने में बाज देख लिया, हॉक देख लिया, बैठा हुआ है और अकेला है, उड़ता हुआ देखा है, तो ये दिखा रहा है कि आपके जीवन में कोई अच्छा समय आने वाला है, उत्तम समय। व्यापार में तरक्की होने वाली है, जॉब में कोई प्रमोशन हो सकती है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो बाज का ये सपना दिखा रहा है That you are a protective person, सही दिशा में जाने की स्थिति में आप आ गए, जो पुरानी समस्याएं थी दूर हो गई हैं। आसमान में उड़ता हुआ दिख रहा है, बैठा हुआ दिख रहा है, जंगल में दिख रहा है, अगर उड़ता हुआ दिख रहा है तो ये और भी अच्छा है। आसमान में अगर उड़ रहा है, क्योंकि ये आसमान का राजा होता है, साहस शक्ति का प्रतीक होता है, तो ये दिखा रहा है कि प्रभु का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, हर कार्य में सफल होंगे। और बाज को हम विष्णु का वाहन भी बोलते हैं, इसलिए इसको देखना, इसको उड़ते हुए देखना, ये बहुत अच्छा फल होता है। मैं दूसरे वीडियो में गिद्ध के बारे में आपको बताऊंगा, जिसको हम वल्चर बोलते हैं। और एक निवेदन करूँगा दोस्त, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।